सुनिए सुनिए गंगा, पेट बहुत दुख रहा है। गंगा तुम ठीक हो? गंगा बहुत दुख रहा है, तुम ठीक हो? गंगा पापा थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो। पापा गंगा एक सेकंड रुको। पापा पापा गंगा को बहुत दर्द हो रहा है। अरे बाप रे, चल 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 चल। क्या हुआ गंगा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? चलो मूर्ति डॉक्टर के पास चलते, चलो 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 चलो। पापा, अब मुझे विश्वास नहीं है। सुनो मूर्ति, गंगा को कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हमारे घर की न्यू है। मैं अपने आप को संभाल लूंगा, मगर वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। कितने अरमान थे उसके, पूरा घर बच्चों के खिलौनों से सजाया है। बच्चे की आने की खुशी में उसने सपने सजाए हैं। भगवान उसे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहा है? मूर्ति, तुम अगर ऐसे टूट गया बेटा तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। सॉरी सर, उनका अबॉर्शन हो गया। गंगा को कोई खतरा तो नहीं है? जिंदगी का कोई खतरा नहीं है, हॉस्पिटल में 2 दिन और रहेगी, उसके बाद उन्हें ले जा सकते हैं। अभी थोड़ी कमजोर है, आप दोनों चाहें तो वेट कर सकते हैं, मैं जब बोलूंगी तो मिल लीजिएगा। गंगा, अगर ऐसी रोती रही तो स्वास्थ्य पर बुरा असर होगा। मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये बच्चा भी एबॉर्ट हो गया। क्या मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी? मैंने तो कभी अपनी बातों से भी किसी का दिल नहीं दुखाया। पता नहीं भगवान ने मुझे ही ऐसी सजा क्यों दी हुई है। नहीं गंगा, तुम ऐसा मत सोचो। हमें जिस चीज पर हक है वो हमारा होके रहेगा। हम दोनों तो ठीक है ना? एक और बच्चे के लिए ट्राई करेंगे। जो हुआ उसे भूल जाओ, तुम नई शुरुआत के बारे में सोचते हैं। ये सब आप मुझे सिर्फ तसल्ली देने के लिए कह रहे हैं। ये सब हमारे साथ 2 बार हो गया है, अब मैं किस पर भरोसा करूं? पापा कहाँ है? पापा बैंक गए हैं। बेचारे पापा, पोती के लिए कितने सपने देखे थे उन्होंने, सब डूब गए। मेरे घर पर बताया आपने? नहीं, हॉस्पिटल में ज्यादा भीड़ जमा करने के लिए मना किया है। डॉक्टर ने बोला है तुम्हें शाम को डिस्चार्ज कर देंगे, और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि घर जाने के बाद हम गणेश को और सबको इन्फॉर्म कर सकते हैं। किसी के आने से क्या होगा, सब खत्म हो गया। चिंता मत करो गंगा, धीरज रखो थोड़ा। सर, आपको डॉक्टर बुला रही हैं। आपकी वाइफ को होश आ गया? हाँ, होश तो आ गया है, बस दुखी है, रो रही है। मूर्ति, एक जरूरी बात है। गंगा की हालत नाजुक है, थोड़े टाइम के लिए कुछ भी मत सोचिए। मुझे नहीं लगता कि वो एक और अबॉर्शन का बोझ उठा पाएगी। मतलब हमारी किस्मत में बच्चा नहीं है? एक डॉक्टर अपने मुंह से ऐसी बातें नहीं कहते। भगवान की प्लानिंग किसे पता? खतरा उठाने से अच्छा है कि आप थोड़ी सावधानी बरतें।